जैसे कि हम जानते हैं, नृत्य के राजा नटराज यानी कि देवाधिदेव शिव शंकर है। गुजराती पदम के बाद इसी विषय पर हम प्रस्तुत करेंगे कीर्तनम भोशंभो, जिसे हम भक्ति पदम भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के सार के रूप में नाट्य वेद का सर्जन किया, जिसमें संगीत और नृत्य का समावेश किया गया है। भगवान शिव शंकर ने वह नृत्य को भरत मुनि जी को सिखाया और पार्वती जी ने लास्य नृत्य सिखाया। पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, सर्प जिन्होंने धारण किया है, देवों के भी वो देव हैं। कृति के अंत में शंकर और पार्वती जी की जुगलबंदी दिखाई गई है, जो बड़ी दिलचस्प है। तो प्रस्तुत है भो शंभो राग रेवती ताल आदि। Shambho,
शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयं गला कुतक तदिकिन तुम जय तक जय तक जय नम जय जय नम जय नम तदिक तदिकिन तुम जय तक जय तक जय नम जय जय नम जय नम तदिक तदिकिन तुम जय Say it.